प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं बीए तृतीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आपको आज एक ऐसे पाश्चात्य विचारक से परिचय कराऊंगा जिनका पाश्चात्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हम थॉमस हॉब्स के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो प्रतिपादित हुआ है उसमें थॉमस हॉब्स का, जे जे रूसो का और जॉन लॉक का महत्वपूर्ण स्थान है। तीनों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उस आधार पर देख सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय से जुड़ी हुई उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जिस पर उन्होंने प्रकाश डाला, और उनके जीवन से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो आपके सामने मैं इस क्लास के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा और आप तक वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि जिससे आपको उनसे संबंधित समस्त जानकारियां आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं, हम राजनीति विज्ञान के बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत थॉमस हॉब्स के जीवन दर्शन की चर्चा करते हैं, जीवन परिचय की चर्चा करते हैं, उनकी जीवनी हम एक संक्षिप्त रूप में लेकर आए हैं जिसका जिक्र हम कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, क्या क्या तथ्य हैं और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स का जो जन्म हुआ था वो 1588 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1679 ईस्वी में हुई थी। जीवन तथा परिस्थितियों की अगर हम जिक्र करें तो इसमें देखते हैं कि थॉमस हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन के मेलसबरी नामक स्थान पर कब हुआ, 1588 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में मेलसबरी नामक स्थान पर कब, 1588 ईस्वी में हुआ था। वो 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक थे। क्या थे, 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक थे जिसने राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा दी। किसको नई दिशा दी, राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा देने का कार्य किया है और राजनीतिक चिंतन को विकसित करने का भी उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। अब आगे उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए देखते हैं कि उन्होंने अपने युग में जो परिवर्तन देखे हैं उनसे उसे विश्वास हो गया कि मानव सभ्यता की रक्षा के लिए सुदृढ़ शासन व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने जो अपने जीवन काल में जो घटनाएं देखी, जो सामाजिक परिवर्तन देखा, उससे उनको आभास हो गया कि उन्हें एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की आवश्यकता है। मनुष्य को अगर सामाजिक स्तर पर सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, तो एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था होनी अति आवश्यक है। अगर उस व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकेगा तो मनुष्य सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था के अंतर्गत जीवन यापन नहीं कर सकता। तो इसलिए सुदृढ़ शासन व्यवस्था की अति आवश्यकता है। अगले क्रम में देखते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में देखा कि राजनीतिक दृष्टिकोण को दार्शनिक और वैज्ञानिक, किस रूप में, दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार पर एक नया सिद्धांत स्थापित किया है। राजनीतिक दृष्टिकोण दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार पर एक नया राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करने का प्रयत्न किया और प्रयास किया। अब एक कथन इसका जुड़ा हुआ है हॉब्स का, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो बहुत ही ये कंपटीशन में पूछा भी खूब जाता है, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे हायर का हो, एनीवन कोई क्वेश्चन हो तो राजनीति विज्ञान से हॉब्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वो किस रूप में पूछे जाते हैं कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। तो यहाँ पर यह दर्शाया गया कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। जब उसका जन्म हुआ तो उसमें ब्रिटेन के जो मेलसबरी नामक स्थान है वहां पर आर्मेडा है, आर्मेडा के जहाँ पर वहां पर जब उसका जन्म हुआ तो एक भय का माहौल था, तो उसी से जुड़े हुए तथ्य के रूप में हॉब्स
कहता है मैं और भय दोनों एक जुड़वा भाई हैं और दोनों का जन्म समान रूप में समान जगह पर हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कि हाब्स का ये कथन प्रमुख रूप से प्रदर्शित करता है कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि संभवतया भय को इस साम्राज्य ने ही उसे धरपूक बना दिया था। जो उसके जन्म के समय भय का माहौल था, यही साम्राज्य, यही माहौल उसे जन्मता क्या बना दिया, डरपोक किस्म का बना दिया। आइए अगले क्रम पर चर्चा करते हैं, इनके और तथ्यों की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि थामसाप्स के जीवन दर्शन से जुड़ी हुई और कौन सी घटनाएं हैं जो उसे प्रभावित कर रही हैं, उसके जीवन शैली को प्रभावित कर रही हैं, उन सब की चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि थामसाप्स वह एक पादरी का पुत्र था, उसके पिता क्या थे, पादरी थे, पादरी का वो पुत्र था और इस नाते उसे बाइबिल का अच्छा ज्ञान था। क्या था, बाइबिल का अच्छा और गहन ज्ञान था, क्योंकि पादरी का पुत्र होने के नाते उसे बाइबिल का महत्वपूर्ण ज्ञान, अच्छा ज्ञान प्राप्त था। उन्होंने ममसबरी तथा ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की, कहाँ प्राप्त की, ममसबरी तथा ऑक्सफोर्ड में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात वह विलियम कवेंडियन, विश्वविद्यालय छोड़ने के पश्चात वो विलियम कवेंडियंस जो बाद में डेविनशायर के अर्ल हुए उनके वो उत्तराधिकारी का कार्य किया, अर्थात उनके पद पर वो किस रूप में रहे, शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया, किस रूप में किया, शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किया। इस परिवार के साथ उसका संबंध, किस परिवार के साथ, ये डेविनशायर के अर्ल जो हुए थे विलियम कवेंडियंस के परिवार के साथ उनका संबंध जीवन पर्यंत बना रहा, अर्थात वो जो उनके गुरुजी थे उनके पहले, उनके परिवार से उनका रिश्ता जो है क्या है, जीवन पर्यंत, जीवन तक बना रहा। और इसने, किसने, थामसाप ने उसके बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला, मतलब ये घटना जो है उसके बौद्धिक विकास, उसके बौद्धिक विकास पर गहरा प्रभाव डाला, जिसका प्रभाव निरंतर देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो ये प्रभाव हमेशा क्या, जीवन पर्यंत उसके बौद्धिक विकास पर बना रहा। उन्होंने, किसने, थामसाप ने शिक्षात्मक भ्रमण यानी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा से जुड़े हुए जो उन्होंने भ्रमण किया, गए यूरोप में, गए वहां, कब तक किया, 1629 से 1631 तक, यानी कि 2 वर्षों तक उन्होंने शिक्षणात्मक भ्रमण किया और बाद में हाब्स के यूरोप की दूसरी यात्रा से लौटने के कुछ समय बाद इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। जब 1629 से 1631 में उन्होंने शिक्षणात्मक भ्रमण किया और हाब्स यूरोप की यात्रा पर गया, जब वहां से वो लौटा तो इंग्लैंड में गृह युद्ध का प्रारंभ हो गया था, श्री गणेश हो गया था। आइए अगले क्रम में चर्चा करते हैं कि उसके जीवन दर्शन से जुड़ी हुई और कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये अगले क्रम की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि थॉमस हाब्स के जीवन दर्शन से जुड़े हुए कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से जो तथ्य हैं उसे, उसके जीवन दर्शन को प्रभावित कर रहे हैं।
सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं दीर्घ संसद की। किसकी बात करते हैं? दीर्घ संसद की बात करते हैं, बड़े संसद की बात की जा रही कि उस दौरान क्या है, वहां पर संसद को प्रधानता मिली, अर्थात संसद अस्तित्व में आया, संसद को सारे अधिकार मिले, अधिकार प्राप्त हुए। इसी समय निरंकुश राजतंत्र के दो मुख्य समर्थकों का, प्रथम लॉर्ड और द्वितीय स्टेफोर्ड को जेल में डाल दिया गया। जो निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे, प्रथम लॉर्ड और द्वितीय स्टेफोर्ड, दोनों लोगों को जेल में डाल दिया। इससे हाब्स बहुत चिंतित हुआ, बहुत ही घबरा गया, और उसने हाब्स चिंतित था, भयभीत था, चिंतित हुआ और भयभीत हुआ हो उठा, क्योंकि उसने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए पंपलेट लिखा था। किसका समर्थन करते हुए? निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए पंपलेट लिखा था, संसदात्मक शासन व्यवस्था का विरोध करते हुए उसने पंपलेट छपवाया था। इससे वह भयभीत हो गया, चिंतित हो गया कि उसके निरंकुश राजतंत्र के समर्थक के दो लोग जेल में डाल दिए। इससे वो बहुत चिंतित हुआ, उसे लगा कि हमारे साथ भी कोई घटना घटित हो सकती है। तब वो क्या करता है, इसी कारण वो भाग गया, कहां से? इंग्लैंड से भाग जाता है। कहां चला जाता है? फ्रांस चला जाता है। फ्रांस चला गया और अगले 11 वर्ष उसने पेरिस तथा हॉलैंड में अपना अध्ययन कार्य करते हुए समय बिताया। किस डर से जाता है कि जब इंग्लैंड में संसदात्मक व्यवस्था प्रभाव रूप से थी, तो उस समय राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक, दो समर्थकों को जेल में डाला गया, लॉर्ड प्रथम और स्टेफर्ड द्वितीय, द्वितीय प्रथम में लॉर्ड को और द्वितीय में स्टेफर्ड को जेल में डाला गया। इससे हॉब्स डर गया, भयभीत हो गया, चिंतित हो गया। वो भाग कर कहां चला गया? फ्रांस चला गया। फ्रांस जाने के बाद वहां पर पेरिस और हॉलैंड में वो 11 वर्षों तक अध्ययन कार्य करता रहा। पुनः देखते हैं क्या होता है, 1642 ईस्वी में उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध पुस्तक डीसीवी प्रकाशित की, और 1651 में उसकी लेव्याथन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो बहुत ही कंपटीशन में पूछे जाने वाले पुस्तकें हैं। इस रूप में हॉब्स अपने दो पुस्तकों को प्रकाशित करता है, 1642 में डीसीवे और 1651 में लेव्याथन को प्रकाशित करता है, जो राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी परीक्षाएं हैं, उनमें ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1642 में डीसीवे और 1651 में लेव्याथन नामक पुस्तक प्रकाशित की। ठीक, अंततः देखते हैं वो अंतिम समय तक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए, यानी कि जब वो लास्ट स्टेज में होता है, 51 वर्ष की अवस्था में होता है, तब भी वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, और अंततः वो 51 वर्ष की अवस्था में उसका 1679 ईस्वी में, कब? 1679 ईस्वी में 51 वर्ष की अवस्था में उसका स्वर्गवास हो जाता है। कब हो जाता है? 1679 ईस्वी में 91 वर्ष की अवस्था में उस महान दार्शनिक का स्वर्गवास हो जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि थॉमस हॉब्स से जुड़े हुए उसके जीवन परिचय को हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, उसकी जीवन दर्शन को हमने आप तक पहुंचाया, आपको उससे जुड़ी हुई जानकारियों से अवगत कराया। हमें उम्मीद है कि आपको ये इनका जीवन दर्शन, इनसे जुड़े हुए तथ्य अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आपको सहायक सिद्ध होंगे। अगले क्लास में मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।